मुख्यमंत्री का घर महिलाओं का मायका बन गया है। प्रदेश का मुखिया अगर दरवाजा खोल दे और कहे आओ बहनों ये तुम्हारा घर है, बड़ी बात है, बड़ी बात है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने यही किया है। तीजा आ रहा है, आज प्रदेश में पूरा मनाया गया। तीजा के लिए महिलाएं मायके जाने की तैयारी करने लगी हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में आज मुख्यमंत्री का घर ही महिलाओं का मायका बन गया है, महिलाओं का मायका बन गया। बड़ी सुंदर सुंदर तस्वीरें आई हैं, बड़ी सुंदर सुंदर तस्वीरें। मुख्यमंत्री आवास में सीएम ने पूरे प्रदेश की महिलाओं को पर्व मनाने के लिए बुलाया था, सबको निमंत्रण भेजा था कि आइए धूमधाम से त्यौहार मनाएंगे। तस्वीरों में देखते जाइए मुख्यमंत्री आवास की तस्वीर, सीएम विष्णुदेव साय अपनी पत्नी कौशल्या साय के साथ भोलेनाथ की पूजा कर रहे हैं। सीएम हाउस में प्रदेश भर से आई महिलाएं हाथों में मेहंदी लगा रही, मंगल गीत गा रही, बहुत सुंदर तस्वीर है। मैंने कहा ना आपसे कि मुख्यमंत्री ने बहुत बड़ा आयोजन किया अपने घर में। प्रदेश भर की महिलाओं ने धूमधाम से तीजा पोरा का त्यौहार मनाया। ये रिपोर्ट देख लीजिए, उसके बाद आगे विस्तार से बात करेंगे। दिखाइए का मन के बाटिया, का मन के बाटिया, मैं भाई बहनी के राखिया, मैं राम लला के झांकी और मैं बिहाव के जोरन झांपिया, मैं महानदी के पानी और मैं छत्तीसगढ़ के माटिया, नदी के पानी और मैं छत्तीसगढ़ के माटियों, मैं महानदी के पानी और मैं छत्तीसगढ़ के माटियों। बहुत शानदार गाना था, मैं भी झूम रहा था। महिलाएं झूम रही हैं, नाच रही हैं, मंत्री टंकराम वर्मा ने सुरों की महफिल बांध दी है। इतना सब हुआ तो विस्तार से भी दिखाएंगे, एक एक तस्वीर दिखा देते हैं, चलिए आपको सब कुछ बता देते हैं। महिलाएं जब मायके आती हैं तो जितनी शक्ति होती है माता पिता विदाई करते हैं, साड़ी मिठाई देते हैं। आज सीएम हाउस में भी महिलाओं के लिए उपहार का इंतजाम था, महिलाओं को साड़ी और साज सिंगार का सामान सीएम साहब ने उपहार में दिया है। अब ये वाली तस्वीर भी देखिए, देखिए कैसे महिलाएं सीएम आवास में झूम रही हैं, नाच रही हैं, गा रही हैं, बहुत उत्साह दिखा रही हैं, बहुत उत्साह दिखा रही हैं। थोड़ा मेरे साथ साथ ये आवाज भी सुनाते रहिएगा, सूर्यपाल कुशवाहा दिखा दीजिए इस पर्व को लेकर महिलाओं में, देख लीजिए कितना उत्साह, देखते जाइए, मैं बोलता भी जाऊंगा और ये आवाज भी सुनते, ठीक है। इतना सुंदर माहौल था कि मंत्री टंकराम वर्मा भी खुद को गाना गाने से नहीं रोक पाए। जरा सुना दीजिए टंकराम वर्मा को गाना गाते हुए, सुनाइए। मैं लई का मन के बाटिया, मैं लई का मन के बाटिया, मैं भाई बहनी के राखिया, मैं राम लला के झांकी और मैं बिहाव के जोरन झांपिया, मैं महानदी के पानी और मैं छत्तीसगढ़ के माटियों, मैं महानदी के पानी और मैं छत्तीसगढ़ के माटियों, मैं महानदी के पानी और मैं। टंकराम वर्मा गा रहे थे, टंकराम वर्मा प्रदेश सरकार में मंत्री हैं। बहुत सुंदर तस्वीर थी, कार्यक्रम में बीजेपी के बड़े बड़े नेता मौजूद थे। अरुण साव, ब्रिजमोहन अग्रवाल, लक्ष्मी राजवाड़े, केदार कश्यप जैसे बड़े बड़े नेताओं ने तीजा पूरा त्योहार को लेकर बधाई दी है। क्या कहा है सुना दीजिए। बहुत खुशी का माहौल है, महिलाओं के चेहरे पे खुशी है। ये हमारे छत्तीसगढ़ का परंपरागत त्योहार, त्योहारों का ये प्रदेश है। मर के मैं अमर जन हो जाते हूँ, यही जन्म मैं पाते हूँ, छत्तीसगढ़ के छांव बने बर मैं छानी बन जाते, छत्तीसगढ़ के छांव बने बर मैं छानी बन जाते हूँ। आप समझ रहे हैं इसका मतलब, मैं भी नहीं समझा, लेकिन छत्तीसगढ़ का छांव बनने के लिए मैं छानी बन जाता, मतलब छत और छत्तीसगढ़ को ढक लेता है।
बहुत बड़ा दिन है छत्तीसगढ़ के लिए। आज तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 70 लाख महिलाओं को तोहफा भी दिया है। मातारी वंदन योजना की 7वीं किस्त जारी की गई। बहनों के लिए मुख्यमंत्री के प्यार की तस्वीर फिलहाल सोशल मीडिया पर छाई हुई है। बहुत अच्छी तस्वीर थी और मैंने कहा कि जब कोई मुख्यमंत्री सूबे का मुखिया अपने घर के दरवाजे खोल दे और कहे आओ बहनों ये तुम्हारा ही तो घर है, तो उन तस्वीरों का विश्लेषण जरूरी हो जाता है।